हेलो फ्रेंड्स, माय सेल्फ डॉक्टर सुशीला सैनी, गायनेकोलॉजिस्ट एंड ऑब्स्टेट्रिशियन, डायरेक्टर जयपुर दूरबीन हॉस्पिटल, एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हैं। हमारे पिछले वीडियो में हमने बात की थी प्रेगनेंसी विद फाइब्रॉइड की, यानी कि प्रेगनेंसी के दौरान होने वाली, बच्चेदानी के अंदर होने वाली गांठों के बारे में। लेकिन आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं प्रेगनेंसी के साथ अंडेदानी में होने वाली गांठ के बारे में, क्योंकि एक तो बच्चेदानी होती है और साथ में दो अंडेदानी होती है जहाँ अंडे बनते हैं, तो गांठ बच्चेदानी के अंदर भी हो सकती है और साथ या फिर साइड में जो अंडेदानी पाई जाती है इनमें भी हो सकती है। अब अंडेदानी के अंदर जो गांठ बनती है वो कितना नुकसानदेह हो सकती है वो तो सोनोग्राफी या ब्लड टेस्ट से ही पता चल पाता है। लेकिन अगर आपको ये डायग्नोस हुआ है कि प्रेगनेंसी के साथ में आपको गांठ है, यानी कि अंडेदानी के अंदर गांठ है, तो बहुत ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, डरने की भी जरूरत नहीं है। उनका सेफली इलाज किया जा सकता है, उनको निकाला भी जा सकता है और इस वीडियो में आज हम यही आपको बताने जा रहे हैं। कृपया वीडियो आखिर तक जरूर देखिए। तो ये जो गांठ अगर आपको डायग्नोस हुई है और साथ में आपको प्रेगनेंसी का भी पता चल गया है कि प्रेगनेंसी भी है, तो एक बार डॉक्टर के पास जरूर जाइए। डॉक्टर आपको सोनोग्राफी की एडवाइस देंगे, आप सोनोग्राफी करवा लीजिए। सोनोग्राफी से हमें ये पता चल पाएगा कि ये जो गांठ है वो किस प्रकार की है, यानी कि ठोस सॉलिड गांठ है, सिस्टिक यानी कि पानी की गांठ है, या मिक्स्ड है। मिक्स्ड मीनिंग सॉलिड और सिस्टिक, यानी कुछ एरिया सॉलिड है कुछ एरिया में पानी है, या ये चॉकलेट सिस्ट है या ये खून की गांठ है। तो ये किसी भी प्रकार की गांठ हो सकती है जो हमें सोनोग्राफी से पता चलती है। अब अगर अपने को ये पता चलता है कि जो गांठ है सॉलिड नहीं है, सिस्टिक है, खून की गांठ है, चॉकलेट सिस्ट है और बहुत ज्यादा कोई दर्द नहीं कर रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं कर रही है, तो हम वेट एंड वॉच कर सकते हैं, यानी कि हम इंतजार कर सकते हैं कि हमें कोई नुकसान देने वाली बहुत ज्यादा गांठ नहीं है और हम सोनोग्राफी से एक डेढ़ महीने के अंदर सोनोग्राफी करा करा के हम देख सकते हैं कि गांठ का फॉलोअप कैसा है। कहीं पर भी अपने को ये लगता है कि गांठ बहुत ज्यादा साइज में बढ़ रही है, पेट फूल रहा है, खाने पीने में दिक्कत आ रही है, उल्टियां हो रही है और कहीं से भी लगता है कि ये गांठ नुकसानदेह हो सकती है, तो हम उसको ऑपरेट कर सकते हैं बिना बच्चे को नुकसान पहुंचाए। और ये ऑपरेशन दूरबीन से भी पॉसिबल है, बहुत सही तरीके से बिना चीरे के छोटे से छेद के द्वारा ये ऑपरेशन पॉसिबल है। और अभी तक हमने 3 लीटर 4 लीटर फ्लूइड वाली गांठें निकाली है और आराम से वो बच्चे ने बाद में 9 महीने पे स्वस्थ बच्चे को डिलीवर भी कराया है। तो ये कोई असंभव चीज नहीं है, बहुत ही संभव चीज है। दिमाग में टेंशन आने की जरूरत नहीं है, कितनी भी बड़ी गांठ हो, 9 महीने तक की भी गांठ हो अगर, तो वो भी दूरबीन से निकाली जा सकती है। लेकिन ये अंडेदानी के अंदर है और सॉलिड नहीं है, पानी की गांठ है। लेकिन अगर आपको ये पता चलता है कि ये गांठ सॉलिड है और इसके साथ में किए जाने वाले ब्लड टेस्ट है कि CA125 टेस्ट किया जाता है उसका, और अल्फा फीटोप्रोटीन एक टेस्ट होता है, CEA होता है, ये ट्यूमर मार्कर्स बोलते हैं जिनसे कि हमें गांठ में कैंसर की कितनी संभावना है उसका पता चलता है। और ये कहीं से भी हमें लगता है कि ये बढ़े हुए आ रहे हैं और ये प्रॉब्लमेटिक हो सकती है, तो गांठ का ऑपरेशन तुरंत करवाइए ताकि गांठ को बाहर निकाला जा सके, उसका बायोप्सी हो सके और हमें पता चल सके कि कहीं ये कैंसर की गांठ तो नहीं है। क्योंकि संभावना सभी सोचनी होती है, हम नहीं कहते कि किसी भी गांठ में कैंसर होगा, बट फिर भी सोचना होता है और उसी के अकॉर्डिंग डिसीजन भी लेना होता है। और ये बात दिमाग से निकाल दें कि प्रेगनेंसी के साथ गांठ का ऑपरेशन नहीं हो सकता। अंडेदाने की कोई सी भी गांठ का प्रेगनेंसी में किसी भी टाइम पे ऑपरेशन किया जा सकता है, बट जो सबसे सेफ पीरियड है वो 12 से 14 हफ्ते या 16-18 हफ्ते तक किया जा सकता है। लेकिन इसके बाद में भी अगर किसी को प्रॉब्लम होती है तो बीच में बाद में 6-7 महीने पर भी किया जा सकता है, लेकिन इस समय पर दूरबीन से करना थोड़ा सा रिस्की हो जाता है, थोड़ा पॉसिबल कम हो पाता है। तो ये डिसीजन आपका डॉक्टर ले पाएगा कि उसे ये ऑपरेशन कैसे परफॉर्म करना है, यानी कि वो चीरे वाला ऑपरेशन करना चाहती हैं या वो दूरबीन वाला ऑपरेशन करना चाहती हैं, वो आपका डॉक्टर आपको बताएगा। अगर आप हमसे संपर्क करते हैं तो हम कोशिश करेंगे कि दूरबीन से ही हो जाए ताकि चीरा ना लगे। और दूसरा संभावना ये होती है कि अगर रिस्क कम लग रही है तो हम 36-37 वीक तक प्रेगनेंसी को कैरी ऑन कर लें, सिजेरियन प्लान कर लें, गांठ भी निकाल लें और बच्चा भी निकाल लें, एक पन दो काज कर सकते हैं। बट ये सारा डिसीजन पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, हर प्रेगनेंसी के साथ में उसके ट्यूमर मार्कर्स, उसका सोनोग्राफी का रिपोर्ट क्या कहता है, उसके अकॉर्डिंगली ये डिसीजन लिया जा सकता है। लेकिन अगर कहीं पे भी लगता है, 1% भी शक लगता है कि कैंसर की गांठ हो सकती है, तो आपसे तुरंत ऑपरेशन करवा के निकाल दीजिए ताकि
आप कैंसर मुक्त हो पाए और एक स्वस्थ बच्चे को जन्म दे पाए, क्योंकि 9 महीने तक वेट करना बहुत ज्यादा रिस्की हो सकता है और ऑपरेशन से बच्चे को कोई प्रकार का नुकसान नहीं होने वाला। ऑपरेशन के दौरान जो दवाइयां यूज की जाती है वो बच्चे के लिए बिल्कुल सेफ होती है, वही दवाइयां यूज करते हैं और बेहोशी की दवाई का बहुत ज्यादा कोई असर नहीं पड़ता है, क्योंकि जो गैस इनहेलेशन वाला एनेस्थीसिया यूज करते हैं वो बहुत कम रिस्की होता है, बहुत कम टॉक्सिक होता है। आई थिंक ये वीडियो से आपको समझ आ गया होगा कि अंडे दाने की अगर गांठ है आपको तो आपको कैसे मैनेज करना है, और अगर आपको ये इम्पोर्टेंट लगा होगा तो आप अपने साथियों से जरूर शेयर करेंगी, और नए वीडियोस की जानकारी के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। आपसे फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक नमस्कार।